AIUU के द्वारा विभिन्न संगठनों को लेकर स्थानीय हनुमान चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। साथ ही कहा गया कि विभिन्न जगहों पर बढ़ती ठेका प्रथा के चलते श्रमिक संघों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। वहीं न्यूनतम वेतन को स्थायी करने की बात भी इस प्रदर्शन के दौरान की गई। बूढ़े, जवान, मजदूर सभी इस आंदोलन को सफल करने के प्रयास में लगे हुए। गुना में बड़ी तालाब में लोग, चाहे वो ठेका के कर्मचारी हो, चाहे वो 8 और 9 जनवरी को देश की 10 ट्रेड यूनियन जो है, जिसमें हमारा जो क्रांतिकारी संगठन है, मजदूर संगठन AIUPUC से देश भर के बैंक, बीमा, पोस्टल, BSNL, रेलवे, रक्षा, इन तमाम मजदूर इकट्ठा होकर मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, खासकर जो श्रम कानून में संशोधन किया है, हम उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जो 100% FDI खुदरा व्यापार में, रेलवे में, और जिस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कंपनियाँ हैं उनको जो सरकारी विभागों को आज बेचने की नीति ला रही है, निजीकरण की जो नीति ला रही है, उसके खिलाफ आज देश भर के मजदूर कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूर इस हड़ताल में हैं, और आज हम लोग यहाँ पर स्थानीय हनुमान चौराहे पर आशा उषा, आंगनबाड़ी कर्मकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और AIUPUC की ओर से उस आम हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं, और मोदी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से पूंजीपतियों की गुलामी वाली जो नीति लागू कर रहे हैं उसको रोकें और आम जनता के हित में नियम बनाएं।